मेरा नाम गीता है। ये बात तब की है जब पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा था। घर में हम 5 लोग ही रहते थे, मैं, मेरे मम्मी पापा, एक भाई और एक बहन। कोरोना की वजह से सब बंद होने के कारण हम काफी परेशान थे। लॉकडाउन के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल था। शुरुआती दौर में लगभग सारी दुकानें बंद रहती थी, सिर्फ मेडिकल ही खुले रहते थे। बस ये तब की ही बात है, मेरे पिताजी किराने का सामान और अपनी दवाइयां लेने बाजार गए थे। मेरे पापा की बीपी और शुगर की दवा चल रही थी, उनको किराना तो मिला पर नजदीकी मेडिकल पर पापा की दवाई नहीं थी। और उनके पास किराने का सामान ज्यादा होने की वजह से वो दूर तक नहीं जा पाए और बिना दवाई लिए ही घर वापस आ गए। घर में एक स्कूटी थी पर वो खराब हो गई थी और मुझे स्कूटी चलाना भी नहीं आता था। मेरा भाई भी छोटा होने के कारण उसे भी स्कूटी चलाना नहीं आता था। मैंने अपनी एक फ्रेंड से पापा के लिए दवाइयां लाने को कहा जिसे स्कूटी चलाना आता था, पर उसने मुझे मना कर दिया ये कहकर कि कोरोना की वजह से घर वाले बाहर निकलने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने जैसे तैसे मैनेज किया और पापा के लिए दवाइयां ले आई। कोरोना समय में फ्री होने के कारण पापा अक्सर माँ की घर काम में मदद किया करते थे। घर आकर पापा ने माँ से कहा कि आज खाना मैं बनाता हूँ, लेकिन माँ को पापा से काम करवाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए माँ ने पापा से कहा आप आराम कीजिए, खाना मैं बनाती हूँ। घर का ये प्यार भरा माहौल देखकर मैं बहुत खुश थी और मन में सोच रही थी बस पापा ऐसे ही स्वस्थ रहें और हमारे परिवार में खुशियां ऐसे ही बनी रहे। खाना खाने के कुछ देर बाद पापा दूसरे रूम में सोने चले गए और मैं अपनी कॉलेज की बुक पढ़ने लगी। 10 मिनट बाद मेरी बहन ने मुझे आवाज लगाई कि पापा को कुछ हो गया है। मैं भागकर उनके कमरे में पहुंची। जब मैंने उन्हें देखा तो पापा के मुंह से झाग निकल रही थी और उनकी सांसें तेज होने लगी थी। उनकी आंखें बहुत चमक रही थी और वह बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनकी राइट साइड की बॉडी ढीली पड़ गई थी। ये देखकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मानो जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। फिर उनकी हालत देखकर मुझे ऐसा लगा कि पापा को पैरालिसिस हो गया है। हम में से किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब क्या करें। मैंने कहीं पढ़ा था कि पैरालिसिस के पेशेंट को अगर 3 घंटे से पहले ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। तब मैंने अपने छोटे भाई को अगल बगल से लोगों को बुला लाने को कहा और अपने एक फ्रेंड को कॉल किया जिससे मेरी एक दिन पहले ही कॉलेज प्रोजेक्ट को लेकर लड़ाई हुई थी और हमारी बातचीत खत्म हो गई थी। मैंने एक बार फोन किया और उसने फोन उठा भी लिया। इससे पहले वो कभी भी मेरा फोन एक बार में नहीं उठाता था, पर आज भगवान भी मेरी मदद करना चाहते थे इसलिए आज उसने पहली ही रिंग में मेरा फोन उठा लिया। मैंने उससे कहा तुम जल्दी घर आ जाओ, शायद पापा को पैरालिसिस हो गया है। और वो 15 मिनट में ही घर पहुंच आया और उससे पहले मैंने एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया था। दोनों ही सही वक्त पर घर के बाहर आ चुके थे। फिर हम सब ने मिलकर पापा को एम्बुलेंस में लेटाया और हॉस्पिटल ले गए। वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन 60,000 रुपए का है, क्या आप मैनेज कर पाएंगी। मैंने डॉक्टर से हाँ तो कह दिया पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। पापा की ऐसी हालत
ऊपर से हॉस्पिटल और इंजेक्शन का इतना बड़ा खर्चा। घर के खर्चे मैनेज करने वाले मेरे पापा आज खुद ही जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से हॉस्पिटल का सारा खर्चा इकट्ठा कर लिया था। मैंने सबको उनके पैसे वापस मिल जाएंगे का वादा किया था। डॉक्टर ने वो इंजेक्शन पिताजी को 3 दिन 3 बार दिए। पिताजी की आंखों की पुतलियां किनारे की तरफ हो गई थी। उनके नाक में खाने के लिए पाइप डाला गया था, जिसमें से उन्हें केवल दूध दिया जाता था। कोरोना के कारण मैंने अपनी माँ और भाई बहन को हॉस्पिटल में आने से मना कर दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह पापा को ऐसी हालत में देख नहीं पाएंगे। 3 दिन बीतने के बाद मैंने डॉक्टर से पूछा कि मेरे पापा बात क्यों नहीं कर रहे हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन में स्ट्रोक हुआ है। ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी आवाज चली गई है और राइट साइड पैरालाइज्ड हो गया है। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप अपने पिताजी को भूल जाएं। अब उनकी हालत ठीक होना मुश्किल है, बस भगवान से प्रार्थना करें, अब सब कुछ उनके ही हाथों में है। ये कहकर डॉक्टर चले गए। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उस दिन कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में रुकने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उस दिन रात के 9 बजे तक मैं हॉस्पिटल में ही बैठी रही। सबके कॉल आ रहे थे, लेकिन मैं डॉक्टर की बातों से इतने तनाव में आ गई थी कि मुझे फोन की रिंग सुनाई ही नहीं दे रही थी। काफी देर के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ ने मुझे घर जाने को कहा। हॉस्पिटल का फ्रंट गेट बंद हो चुका था और इमरजेंसी गेट ओपन था, तो मुझे वहीं से जाना पड़ा। बीच में कॉरिडोर था, वहां मैंने बजरंग बली की प्रतिमा को देखा। मैं वहां रुकी और खूब रोई। पता नहीं कितनी देर तक मैं बजरंग बली के सामने हाथ जोड़कर रोती रही। प्रभु की मूर्ति के पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मैं घर चली गई। 9 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद ज्यादा कोई सुधार ना देखकर मेरे पापा को डिस्चार्ज दे दिया गया। रिश्तेदारों के सिर्फ कॉल आते थे, कोरोना की वजह से कोई मिलने नहीं आ पाए। पापा को हॉस्पिटल से घर पर लाने के बाद मैंने सबको हिम्मत दी थी कि पापा 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुश्किल तो अभी भी और आनी थी। समय और भी कठिन होता जा रहा था। मैं बहुत निराश थी। घर आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि पैरालिसिस के केस में मैं पापा को 3 घंटे के अंदर हॉस्पिटल ले गई थी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं भगवान हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि उस दिन एम्बुलेंस जो मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर थी, वो 15 मिनट में कैसे आ गई। मेरा वह फ्रेंड जिससे कभी कभी ही कॉलेज में बात होती थी, जिससे मेरा झगड़ा हो गया था और जो एक बार में मेरा फोन कभी नहीं उठाता था, उसने 15 मिनट में ही मेरा घर कैसे ढूंढ लिया। जिस डॉक्टर ने 3 दिन में ही मुझे पापा को भूल जाने को कहा था और पापा की आंखें भी जा चुकी थी, वह अचानक ठीक कैसे हो गई। यहाँ तक कि रिपोर्ट में भी कंफर्म हो गया था कि मेरे पापा अब कभी भी ठीक नहीं हो सकते थे। और जब मैं डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर से मिली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम लकी हो जो इतने बड़े ब्रेन स्ट्रोक के बाद भी अपने पापा को जिंदा घर लेकर जा रही हो। तब मुझे उस रात की वो बात याद आई जब मैं बजरंग बली के सामने रोती रही थी और मैंने हाथ जोड़कर बजरंग बली से यही प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मेरा कन्यादान मेरे पापा के हाथों से ही करवाना।
तब से ही पापा की हालत में सुधार आने लगा था। मैं समझ गई थी कि सब बजरंग बली का ही चमत्कार है। बजरंग बली ने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया था। बजरंग बली ने ही हर कदम पर मेरा साथ और हिम्मत दी है। बस तब से मेरा भगवान पर विश्वास और बढ़ गया। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। पूजा पाठ में करती तो थी, पर भक्त नहीं थी। कई बार मन हुआ तो ही हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। पर अब मैं बजरंग बली की भक्त हूँ। जब मुझे कुछ समझ नहीं आता, तब मैं सब उनके हाथ छोड़ देती हूँ। अब मैं हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। मैंने मंदिर में बजरंग बली की अलग से मूर्ति भी स्थापित की है। आज भी मेरे पापा बोल नहीं पाते, लेकिन वो हम सबको पहचान लेते हैं। यही मेरे लिए काफी है। उनका एक हाथ काम करता है, जिससे वह हर चीज बताने की कोशिश करते हैं। कई बार उनकी बात समझने में दिक्कतें भी आती है, पर अब मुझे बजरंग बली में पूरा विश्वास है कि मेरे पापा एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, लेकिन उस कठिन समय में हिम्मत हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही देते हैं। बस एक अटूट विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करें। प्रभु आपकी सहायता जरूर करेंगे। प्रभु वैसे ही आपका साथ देते रहेंगे। जय श्री राम। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।